हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अपनी केस लॉस की सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमारा पहला केस है केशवानंद भारती वर्सेस केरला ऑफ स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, जिसमें फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट इस केस के बारे में सुनता रहता है, भले उसे लास्ट तक के उसे ये ना पता हो इसके फैक्ट्स क्या है, पर ये नाम ज़रूर वो सुनता रहता है। ठीक है, पहली बात ये। और हम लोग जो भी केस लॉस की सीरीज़ है हम लोग साथ में प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा। सारे ही सब्जेक्ट्स के आपको लैंडमार्क केसेस और जजमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और हम लोग सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। साथ में लीगल अपडेट्स भी दे रहे हैं, जो कि आपको अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साथ में शॉर्ट्स बनाते हैं, जिससे कि आप लोग जैसे आप लोग के साथ साथ जो कि आम आदमी है उसको भी ये सब मिलता रहे नॉलेज, है ना। आज हम लोग ये जैसे कि हम लोग ये जानेंगे केशवानंद भारती के क्या फैक्ट्स थे, क्या इसमें बताया गया था। ठीक है, तो मेरा नाम पूजा चौधरी है और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस केस में क्या है, केशवानंद कौन थे पहले तो ये जान लेते हैं। केशवानंद ये हेड थे एक मठ के, ये हेड थे और उस मठ का नाम था इदनीर मठ, जो कि हमारा लोकेट था डिस्ट्रिक्ट कसारगौड़ केरला। ये जो एक मठ था वो डिस्ट्रिक्ट कसारगौड़ में स्थित था। तो क्या था, मतलब कि जो इस मठ के ये हेड थे हमारे केशवानंद भाई, कोई मठ का हेड है दैट इट मींस भाई, ज़रूरी नहीं है कि देखिए ये सिर्फ ऐसा मैं नॉर्मली बता रही हूँ, अगर कोई किसी का कहीं का हेड होता है तो वो उसके पास बहुत पावर होती है। कोई भी हेड बन जाता है, कोई भी क्लास में मॉनिटर बन जाता है, तो वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पास कुछ अलग पास मिल जाती हैं, कुछ और भी चीज़ें। अब मठ है उसमें साथ में पैसे वैसे भी सब कुछ बन सकता है। तो क्या होता है, जो स्टेट हमारी गवर्नमेंट होती है जो हमारी इस गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, उस मतलब कि उस एरिया को वो ले मतलब कि जब्त करने वाली होती है, लेने वाली होती है। तो इन्होंने क्या कहा, और तब इनका जो मठ था वो भी जाता, तो इन्होंने अपनी एक पिटीशन लगाई कि भैया जिस टाइम इन्होंने पिटीशन ये लगाई थी उस टाइम ये था कि जो हमारा प्रॉपर्टी का राइट एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भैया ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है मेरी, और फंडामेंटल राइट पहले से ही था कि फंडामेंटल राइट्स नहीं बदल सकते हैं, तो ये हमें जो हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रही है गवर्नमेंट। तो इनके जो नानकी पालकी वाला थे, जो हमारे फेमस एडवोकेट थे, इन्होंने केशवानंद भारती का केस लिया था, जिसमें कि क्या हुआ इसका आप जजमेंट जानते हैं, इसमें क्या किया गया। तो कोर्ट ने जब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जजमेंट देते हुए ये कहा, कई लोग मानते हैं कि इसमें ना गवर्नमेंट जीती है ना हमारा जो ये हमारे केशवानंद भारती जी थे वो जीते हैं। इसमें क्या हुआ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डॉक्ट्रिन को लाया गया, वो डॉक्ट्रिन आप सब लोगों ने सुना होगा, कमेंट सेक्शन में इसे मेंशन कर दीजिएगा। फिलहाल तो मैं बता ही रही हूँ कौन सी डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नमेंट के पास मतलब हमारे लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो लॉज मेक कर सके, वो अमेंडमेंट्स कर सके, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा फंडामेंटल राइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे वॉयलेट नहीं कर सकती है। और तब जब ये हमारा फंडामेंटल राइट था, हमारे जो प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था, उसको हटा करके लीगल राइट बना दिया गया, जो कि हमारा 300 समथिंग उसमें आर्टिकल में डाल दिया गया था, जो कि आज अब हमारा वो लीगल राइट है। यानी अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी चाहती है तो भाई उसका कंपनसेशन करेगी, और साथ में तुम अपनी प्रॉपर्टी रखो।
ये हमारा 13 जज की बेंच बैठी थी, सबसे बड़ी यही जो कि हमारी जजेस की बेंच बैठी थी, इसी केस में बैठी थी। और इसमें 6, 7 और 6 के मतलब कि डिवाइड करके, मतलब कि जैसे कि 7 जजेस ने इसके फेवर में दिया था कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वॉयलेट कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, और 6 क्या था कि कर सकते हैं। तो मतलब जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे कि अब हम गवर्नमेंट तो चाहती थी कि हमें तो भाई वो हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, और वो क्योंकि मतलब कि अमेंड कर सके, तो इसमें ये बताइए फंडामेंटल राइट है जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, उसको नहीं वॉयलेट कर सकते। लेकिन आप लेजिस्लेचर क्या अमेंड ही नहीं कर सकता, उसके पास पावर है अमेंड करने की, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मत छू और इम्प्रूव करो भाई। हमारी जो सोसाइटी है डायनेमिक है, आज ज़रूरत किसी चीज़ की हो सकता है कल को वो ज़रूरत ना हो। फॉर एग्जांपल अडल्ट्री पहले एक ऑफेंस था, नाउ अब ये सिर्फ एक ग्राउंड रह गया है डाइवोर्स का। तो ये चीज़ें भी थी जो हमारे केशवानंद भारती के एडवोकेट थे नानकी पालकी वाला, इन्होंने गोलकनाथ के केस से ये एक अपना बात को रखी गई थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे पार्लियामेंट, मतलब उससे जो लेजिस्लेचर है उसे नहीं छेड़ सकती है। तो फिर उस टाइम में तो वो नहीं बनता है, लेकिन केशवानंद भारती में फाइनली इसको बताया गया कि गवर्नमेंट जो हमारी है, हमारे पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, मतलब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं वॉयलेट कर सकती है। ऐसे ही और केसेस के लिए हमारे लॉ वाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि सारे बच्चों तक पहुंच सके। और कैसा लगा लेक्चर हमें ज़रूर कमेंट करें, और हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे के पेज में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।